नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये TDS होता क्या है तो सबसे पहले मैं आपको TDS के बारे में बता दूं। TDS गवर्नमेंट द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का एक तरीका है जिससे टैक्स की चोरी को रोका जाता है। यदि आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज आपको इनकम देने वाली कंपनी द्वारा काटा जाता है उसे TDS कहा जाता है। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास नेचर ऑफ पेमेंट है, उसका सेक्शन है और उसके बाद उसकी लिमिट है और रेट ऑफ टैक्स है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दो सर्विस है हमारे पास, जैसे कि फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, यानी अगर आपकी कंपनी में कोई पर्सन आपके पास आता है और वो आपको कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका पैसा अगर आप उसे देते हैं तो सेक्शन 194J के तहत अगर आप उसे 30,000 रुपये से ऊपर की पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू उस पर 7.5% का TDS डिटेक्ट किया जाएगा। यानी ये पैसा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप उसे 50,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं और उसमें आपको 7.5% का TDS काटना होगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो आप उसे पेमेंट करेंगे और बाकी जो TDS का जो अमाउंट होगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, यानी वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। दूसरा एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको सैलरी प्रोवाइड होती है, सेक्शन नंबर 192B के तहत अगर आपकी सालाना इनकम 6,00,000 रुपये से ऊपर है या 6,00,000 के बराबर है तो आपका 10% का TDS डिटेक्ट किया जाएगा। यानी आपकी जो कंपनी है वो 10% का TDS डिटेक्ट करेगी आपकी सैलरी में से और वो पैसा उठा करके गवर्नमेंट को पे कर देगी। इसी को TDS कहा जाता है। तो चलिए इसको हम टैली प्राइम के अंदर करके देखते हैं, इसका प्रैक्टिकली यूज किस तरह से आप TDS को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक डिटेक्टर हैं तो आप TDS किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TDS को मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश कंपनी एक तैयार कर लेता हूं, मान लीजिए TDS एंट्री के नाम से। इसके बाद आप इसे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आप दिल्ली ले लेंगे, यानी अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी फर्दर डिटेल अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल Ctrl+A करके क्विक क्रिएशन कर दे रहा हूं। और अब आप देखेंगे आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर आपको जाना है TDS वाले ऑप्शन पे। तो आपका जो TDS है वो आपका यहाँ पर है। इससे पहले आपको GST को अनेबल अगर करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे GST की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम GST का नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं, इसको एक्टिवेट रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप GST अपना नंबर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ। एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन है अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS का। आप इसको अनेबल करिए यानी यस करिए। यस करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपसे मांग रहा है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है? ये होता है जब भी आप टैक्स को काटते हैं तो आपको सबसे पहले 10 नंबर के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, इसके बाद ही आप टैक्स काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वही 10 नंबर आपका रिप्रेजेंट होगा, यानी आपका जो भी 10 नंबर है अगर आप टैक्स को काट रहे हैं TDS काट रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना 10 नंबर आप डालेंगे। तो इसमें 4 नंबर के आपके अल्फाबेट्स होते हैं, 5 नंबर आपके जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इसके बाद जो लास्ट का नंबर होता है वो आपका अल्फाबेट होता है। नीचे आने के बाद अब आप देखेंगे डिटेक्टर टाइप, यानी अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं तो आप कौन है, आप कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल HUF ह्यूमन है। तो हम यहाँ पर लेंगे कंपनी की, मैं एक कंपनी हूँ। और यहाँ पर आप अपने डिवीजन या ब्रांच का नाम दे सकते हैं जो इस TDS डिपार्टमेंट को संभालती है। तो यहाँ पर अगर आप इसे फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके सामने सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी इस TDS का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी आपको अपनी कंपनी में एक पर्सन का नाम देना होगा या तो आप अपना नाम दे सकते हैं कि जो भी ये TDS डिटेक्ट किया जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो यहाँ पर हम इसे यस कराएंगे। यस करने के बाद इसको एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको उस पर्सन की पूरी डिटेल फिल करनी है जो कि इस TDS को संभालेगा, यानी इस TDS की डिटेक्शन को देख रेख करेगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए आदित्य कुमार, एंटर प्रेस करिए। तो यहां पर सन ऑफ नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूं मिस्टर अमन कुमार, एंटर प्रेस करिए। यहां पर डेजिग्नेशन डाल दीजिए, यानी
इस कंपनी में उसकी पोस्ट क्या है। तो आप डाल दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ मैनेजर, और इसके बाद यहां पर आपको उसका पैन नंबर डालना होगा। तो यहां पर हम पैन नंबर डाल देते हैं। एंटर प्रेस करके नीचे आ जाए, यहां पर उसका पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए। तो यहां पर एड्रेस फिल कर देता हूं मैं। यहां पर आपको उसका मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यहां पर एसटीडी कोड, यहां पर टेलीफोन नंबर, यहां पर ईमेल आईडी, ये पूरी फर्दर डिटेल फिल करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा और यहां पर आपको सिंपल एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना होगा। तो हमारा टीडीएस एक्टिवेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लेजर्स की तरफ। तो यहां पर आप जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहां से जाएंगे आप लेजर्स पे, और लेजर्स में जाने के बाद आपको कुछ लेजर्स यहां पर क्रिएट करने होंगे। तो मैं लेजर्स देख लेता हूं कौन कौन से लेजर मुझे क्रिएट करने हैं। आप देखेंगे हमने कुछ डायग्राम्स लिए हुए हैं जिसके अंदर हम दो तरह की पेमेंट्स करेंगे। जैसे नेचर ऑफ पेमेंट हमारा फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, दूसरा हमारी मंथली सैलरी है। ये एक्सपेंसेस हैं हमारे, ये सेक्शंस हैं उनके, ये उनके लिमिट्स हैं और ये उनके टैक्स के रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम दो लेजर्स बनाएंगे, ऑडिट फीस का और सैलरी का। तो इनको तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना है अपनी टेली स्क्रीन पर। यहाँ पे पहले बना लेते हैं ऑडिट फी का एक लेजर, इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो ये ऑडिट फीस है क्या हमारा? तो ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसको एक्सपेंस में डाल देंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको जीएसटी अभी एप्लीकेबल रहने देना है, यहाँ पर इसके जीएसटी डिटेल को नो रहने देना है। यहाँ पर आपको सर्विस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका ऑप्शन है इन टीडीएस एप्लीकेबल, यानी ये जो टीडीएस है किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस दबाइए, स्पेस दबाने के बाद आप इसको एप्लीकेबल करिए। एप्लीकेबल करने के बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट डिफाइन करना होगा कि नेचर ऑफ पेमेंट है क्या। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, अपना नेचर ऑफ पेमेंट। तो हमारा जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो है हमारा फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे या आप यहाँ पर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, और इसके बाद एंटर प्रेस करिए। इसका सेक्शन क्या है? तो इसका जो सेक्शन है वो है 194J। तो हम इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं और इसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट कोड, तो आप यहाँ पर पेमेंट कोड दे सकते हैं 94, और इसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF, यानी ये जो पर्सन है इसका जो रेट होगा TDS का वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका रेट है वो है 7.5%। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 7.5%। इस सर्विस का जो GST रेट होगा वो 7.5% होगा। इसको एंटर प्रेस कर, अगर पैन कार्ड अवेलेबल होगा तो 7.5% का आपका GST यहाँ पर लगेगा, और अदर रेट क्या होना चाहिए तो अदर रेट भी यही सेम ही होगा। अब यहाँ पर उसकी लिमिट देनी है, तो लिमिट इसकी जो थी वो आप देखेंगे यहाँ पर 30,000 है, तो यहाँ पर हम 30,000 दे देते हैं और उसके बाद एंटर करके आपको सेव कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, अगर आप बैंक डिटेल्स फिल करना चाहें तो यहाँ से आप बैंक डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप एंटर करके सेव कर दीजिए। अब जो दूसरा लेजर है हमारा वो है सैलरी का, तो हम यहाँ पर एक सैलरी लेजर क्रिएट कर लेते हैं इसी तरीके से। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर इसको नो रहने देंगे और यहाँ पर अब आपको वापस TDS डिफाइन करना होगा। तो स्पेस दबा करके एप्लीकेबल करिए और यहाँ पर एक नया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करिए। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप दे दीजिए लाइक मंथली सैलरी। एंटर प्रेस करिए, इसका जो सेक्शन था वो देख लेते हैं हम लोग, सेक्शन क्या था। तो इसका सेक्शन है 192B, तो यहाँ पर 192B लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो 92 लिख सकते हैं, और उसके बाद नीचे आकर के इसका जो GST रेट था वो 10% था, तो यहाँ पर 10% ले लीजिए। दोनों में सेम रेट होगा, अगर पैन कार्ड अवेलेबल होगा तो भी 10% और अदर्स के लिए भी 10% ही होगा। इसके लिए नीचे आ जाइए, इसकी जो लिमिट थी वो 6,00,000 रुपए एक साल का है, यानी कि मंथली इसका हो गया 60,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिमिट दे देते हैं 60,000 और इसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सेव करा देंगे। यहां पर अब आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा TDS का, तो हम ले लेते हैं TDS ऑन ऑडिट फी और उसके बाद इसे एंटर करके हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देंगे। यहां से आपको TDS लेना होगा और यहां पर आपको जो भी आपका नेचर ऑफ पेमेंट था इसके ऊपर तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस TDS और ऑडिट फी का जो नेचर ऑफ पेमेंट था वो था फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, तो इसको हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एंटर करके सेव करा देंगे। एक TDS का लेजर और बना लेते हैं, TDS ऑन सैलरी का,
और उसको भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देंगे, यहाँ से आप लेंगे टीडीएस और यहाँ से लेंगे मंथली सैलरी और इसको भी आप सेव करा देंगे। अब बात आती है पार्टीज की, यानी किसको हम पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ पंकज इंडस्ट्रीज को और इसे डालूंगा अंडर ऑफ सेंडी क्रेडिटर के और यहाँ पर आपको एंटर करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे इस टीडीएस डिटेक्टेबल, यानी यहाँ पर आपको इसको यस कराना होगा। यस कराने के बाद आपको बताना होगा ये पंकज है कौन, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई ह्यूमन है या कोई रेजिडेंटल गवर्नमेंट है, क्या है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको एंटर प्रेस कराएंगे और यहाँ पर एंटर करके आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर अगर आप उसके बैंक डिटेल देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको उसका पैन नंबर कंपलसरी है देना, तो यहाँ पर इसका पैन नंबर दे देते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने पैन नंबर जो दिया है वो रेंडमली दिया है, आपका जो पैन नंबर होगा अपनी पार्टी का वो आप फिल करेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे प्रोवाइड पैन डिटेल्स, आप इसको यस कराएंगे और यस करने के बाद इसको एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन टाइप का, तो यहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, कोई अननोन पर्सन है या कोई रेगुलर पर्सन है, आप जो भी रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। तो मैंने इसे रख दिया रेगुलर और यहाँ पर अगर पंकज इंडस्ट्रीज का आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे एंटर करके सेव भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एक पार्टी बन गई और इसके बाद एक पार्टी और बना लेते हैं हम लोग जैसे दीपक के नाम से और इसको एंटर करेंगे और इसको भी हम डालेंगे सेंडी क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पर भी आपको जो इसका टीडीएस डिडक्टेबल टाइप होगा इसको यस कराना होगा और यहाँ पर हम इसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये कोई रेजिडेंटल है या कोई एचयूएफ ह्यूमन है, तो हम इसे ले लेते हैं एचयूएफ ह्यूमन के अंदर और उसके बाद आप इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, उसका पैन नंबर डालना होगा, तो हम यहाँ पर भी पैन नंबर डाल देते हैं जैसे मैंने डाल दिया और एंटर करिए। एंटर करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड डिटेल को यस कराना होगा, यस कराने के बाद यहाँ पर भी आपको इसको एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पर भी आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं अपने हिसाब से रेगुलर या अननोन और उसके बाद आप इसे भी एंटर करके सेव कर दीजिए। तो हमारे लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें जाना होगा स्कैप करके पीछे और अब मैं आपको एंट्रीज करके दिखाता हूँ। यहाँ से जाना होगा आपको वाउचर्स के अंदर, वाउचर्स में जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F7 यानी जनरल वाउचर आपको ओपन करना पड़ेगा। आपकी जो भी टीडीएस की एंट्रीज होती हैं वो सारी जनरल वाउचर के अंदर ही की जाती हैं और यहाँ पर हम लोग लेंगे ऑडिट फी, यानी सबसे पहली एंट्री हम लोग करेंगे ऑडिट फीस की। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑडिट फी और ऑडिट फी की जो हमारी लिमिट्स थी वो आप देखेंगे 30,000 थी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका लाइक 50,000 हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 50,000 का अमाउंट हमने डाल दिया। यहाँ पर आप डेबिट को सी दबाएंगे तो क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो इसे क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर जो क्रेडिट होगा वो कौन होगा क्रेडिट, तो क्रेडिट हो रहा है हमारा पंकज इंडस्ट्रीज, हम यहाँ पर पंकज इंडस्ट्रीज को लेंगे। तो आप देखेंगे पंकज इंडस्ट्रीज को हम पैसा दे रहे थे 50,000 ऑडिट फी का, जिसमें अब उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 46,250 रुपीज मिलेगा, यानी बाकी का जो पैसा था वो टीडीएस के अकॉर्डिंग डिडक्ट हो गया। अब इसके लिए आप एंटर प्रेस करिए यानी रेफरेंस में ले लीजिए और अब आपको दिखाएगा कि कितना पैसा इसने 7.5% के हिसाब से डिडक्ट किया है, तो 3750 रुपए इसने टीडीएस डिडक्ट किया है। आप इसे एंटर करके नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लेना होगा टीडीएस ऑन ऑडिट फी, ठीक है। तो यहाँ से आप टीडीएस ऑन ऑडिट फी ले लीजिए और एंटर करके नीचे इसको सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस एंट्री के अंदर हम ऑडिट फी दे रहे थे 50,000 रुपए, जिसके अंदर पंकज इंडस्ट्रीज का जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है 50,000 रुपए के ऊपर 7.5% का, तो 3750 रुपए इसका डिडक्ट हो गया और टीडीएस का जो अमाउंट टोटल बना वो 3750 रुपए बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50,000 की हमने उसको पेमेंट करी है, तो टीडीएस का ये जो पैसा है 3750 रुपए ये हमारे पास रह गया, बाकी पैसा हमने पंकज इंडस्ट्रीज को पे कर दिया। अब मैं आपको बैलेंस शीट एक बार दिखा देता हूँ, आप स्कैप करके पीछे आ जाइए, यहाँ से बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद आप देखेंगे हमारे ऊपर करंट लायबिलिटी 50,000 टोटल अमाउंट आ चुका है। आप यहाँ पर ऑल्ट F1 दबाइए, ऑल्ट F1 जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी जो हमें टैक्स पे करना है वो 3,750 रुपए का गवर्नमेंट को पे करना है और बाकी का जो पैसा है एंट्री क्रिएटर को हमें देना है। उसके बाद आप वापस चले जाइए स्कैप करके पीछे और यहाँ से मैं दूसरी एंट्री भी आपको पास करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से वाउचर्स में जाइए, वाउचर्स में जाने के बाद अब जो दूसरी एंट्री थी हमारी वो थी हमारी सैलरी की, तो हम यहाँ पर लेंगे सैलरी। सैलरी लेने के बाद आप अमाउंट डालिए कि कितने अमाउंट की सैलरी आपको रिसीव हो रही है, तो मैंने दे दिया लाइक 75,000 और उसके बाद आप इसे एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद क्रेडिट कौन हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है हमारा दीपक, दीपक को सैलरी रिसीव की जा रही है। तो आप देखेंगे दीपक का जो 10% के हिसाब से था वो अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट कर दिया गया है, यानी 75,000 का जो अमाउंट था वो 67,500 यहाँ पर डिडक्ट हो गया। यहाँ पर आप इसे एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर एंटर करिए,
आप देखेंगे यहाँ पर 7,500 रुपए इसका अमाउंट डिटेक्ट कर लिया गया है 10% के हिसाब से। और यहाँ पर आप इसे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट होगा हमारा टीडीएस ऑन सैलरी। यहाँ पर आप इसे एंटर करके सेव करा दीजिए। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे सैलरी हमारी थी 75,000 रुपए, जो दीपक का 10% के हिसाब से 7,500 रुपए डिटेक्ट कर लिया गया है। बाकी जो पैसा उसको रिसीव होगा वो 67,500 अमाउंट रिसीव होगा और यहाँ पर जो टीडीएस की जो अमाउंट था वो 7,500 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको एंटर करके आप सेव कर दीजिए और फिर से स्कैप करके एक बार बैक जा करके यहाँ बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था वो 1,25,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पर आप Alt F1 प्रेस करिए। Alt F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस था, यानी टोटल जो टैक्स था वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया, वो 11,250 रुपए हो गया, जिसमें कि 7,500 रुपए हमारा अभी ऐड हुआ है और बाकी का अमाउंट हमारे पास पहले से ही था, जिसमें कि 7,500 रुपए हमारी सैलरी का अमाउंट और ऐड हो गया है और बाकी सिंडिकेटर्स को हमें जो पैसा देना है वो टोटल इतना अमाउंट पे करना है, यानी 1,13,750 रुपए हमें पे करना है। अब यहाँ पर हम एक बार एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस की जो हमारी पास लायबिलिटी है वो इतनी है, तो इसकी हम पेमेंट पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्कैप करके आप पीछे आ जाइए और वापस चले जाइए वाउचर्स के अंदर। अब इसकी पेमेंट किस तरीके से की जाएगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा F5 करके पेमेंट वाउचर के अंदर और यहाँ से आपको स्पेस दबाना होगा, यहाँ से लेना होगा कैश। कैश के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश रखेंगे, अगर बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा बैंक का और यहाँ पर आप इससे बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं बैंक से पेमेंट करूंगा, इसके लिए आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt C और यहाँ पर अपने बैंक का लेजर क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं बना लेता हूँ SBI बैंक और इसे एंड्रॉप डाल दीजिए बैंक अकाउंट के और इसके बाद एंटर करके आप इसके अंदर अपने बैंक की पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आपको इसे पूरा फिल कर लेना है और इसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। तो आपके बैंक का लेजर तैयार हो गया है। आप यहां से देखेंगे हमारे पास कैश पहले से ही 2,00,000 रुपए पहले से ही पड़े हुए हैं। बैंक का लेजर क्रिएट करने के बाद आपको अपने बैंक में कुछ अमाउंट डालना होगा जिससे कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट की वो आप पे कर सके। तो इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर की। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट नेम को और उसके बाद यहाँ से लेंगे कैश। इसके बाद बैंक अकाउंट में आप डाल दीजिए 50,000, कोई भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। मैं 50,000 रुपए बैंक में डाल दे रहा हूँ ताकि मैं TDS की पेमेंट कर सकूँ। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर आप नोट डाल दीजिए, कितने नंबर के नोट आपने दिए हैं वो डाल दीजिए। लाइक मैंने 2000 के 25 नोट दिए हैं तो 50,000 रुपए हो गए हमारे। हम इसको एंटर करके सेव करा देंगे। तो 50,000 रुपए हमारे बैंक में है और बाकी 1,50,000 रुपए हमारे पास कैश है। तो सबसे पहले हम लोग F5 करते हैं और सबसे पहले जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, जो TDS का अमाउंट है, पहले हम वो पेमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम उसको बैंक से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप ले लीजिए सबसे पहले TDS ऑन ऑडिट फी। TDS ऑन ऑडिट फी लेने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली जितना भी अमाउंट होगा वो डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। और यहाँ पर आप ले लीजिए TDS ऑन सैलरी, आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए, ये जो भी अमाउंट होगा ये भी डिटेक्ट कर लेगा और टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर इंक्लूड होकर के आपके सामने शो अप हो जाएगा। इसके बाद आप इसे एंटर प्रेस करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ भी आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। तो आपकी TDS की एंट्री पास हो चुकी है, यानी जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी थी वो हमारी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। इसके बाद आप बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में आने के बाद अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करिए Alt F1। आप देखेंगे आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस अमाउंट था वो यहाँ से क्लियर हो चुका है और अब आप स्कैप करके पीछे आइए। मैं आपको एक जगह से और दिखा देता हूँ। यहाँ से आप चले जाइए डिस्प्ले के अंदर और यहाँ से आप चले जाइए स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ से चले जाइए आप TDS रिपोर्ट्स के अंदर। इसके अंदर अगर आप देखेंगे चालान रिकंसिलेशन, तो आप देखेंगे आपके दोनों अमाउंट्स यहाँ पर शो अप हो रहे हैं, जो कि आपका TDS ऑडिट फी था और TDS ऑन सैलरी थी। इसके बाद यहाँ से स्कैप करिए, स्कैप करके पीछे आ जाइए। यहाँ से अगर आप देखेंगे TDS आउटर स्टैंडिंग, तो आउटर स्टैंडिंग आपके पास अब कुछ भी नहीं है, यानी आपने जो भी आपका TDS पेंडिंग था वो आपने पेमेंट कर दी है। तो आप स्कैप करके पीछे आ जाइए। अगर आपका कोई पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग रहता तो यहाँ पर आउटर स्टैंडिंग में वो अमाउंट आपका शो कर रहा होता, तो स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद अब बाकी का जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, यानी बाकी जो हमें पार्टीज को पेमेंट करनी है, उस पार्टी को हम पेमेंट कर लेते हैं। तो उसकी पेमेंट हम कैश के थ्रू करेंगे। यहाँ से आप ले लीजिए कैश और यहाँ से ले लीजिए सबसे पहले दीपक को। दीपक का जो भी अमाउंट था वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो दीपक का जो अमाउंट था वो 67,500 था, वो हमने फिल कर दिया। इसके बाद आप इसे एंटर करके नीचे आ जाइए। जो दूसरी पार्टी थी वो हमारी थी पंकज इंडस्ट्रीज, इसको हमें देना था 46,250 रुपीज़। तो हम यहाँ दे देते हैं 46,250 रुपीज़ और एंटर प्रेस करके हम इसको भी सेव करा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पूरी लायबिलिटी थी वो क्लियर हो चुकी है। अब स्कैप करके हम पीछे जाते हैं, बैलेंस शीट को वापस चेक करते हैं। तो आप देखिए आपकी टोटल लायबिलिटी जो थी वो क्लियर यहाँ से हो चुकी है।
तो ये थी हमारी TDS एंट्री। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।